भारत देश में पढ़ा लिखा और मॉडर्न उसे ही माना जाता है जो नास्तिक हो, जो जितना ज्यादा हिंदू धर्म को गाली देता हो उससे ही सबसे ज्यादा सुशिक्षित माना जाता है। हालांकि अब भारत देश बदल रहा है, हिंदुओं का स्वाभिमान लौट रहा है, परंतु फिर भी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो लगातार हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश की पहचान ही भगवान राम से है, हिंदू संस्कृति से है, उसी भारत देश में भगवान राम एक राजनैतिक कैरेक्टर बने हुए। जहां जय श्री राम कहना सांप्रदायिक हो जाता है, भगवान राम का भारत में कितना सम्मान है यह आपने राम नवमी की शोभा यात्राओं में देख ही लिया होगा। यहां तक कि भारत में राम राज्य की बात करना भी अपराध माना जाता है। परंतु क्या आपको पता है कि संसार में एक ऐसा भी हिंदू देश है जहां पूर्ण राम राज्य है। इस देश के राजा आज भी राम ही हैं। इस देश की अपनी करेंसी तक है और इस करेंसी को भी राम कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस देश को लीड करने वाले कोई साधु संत नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। आनंदा ध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिशम विशन्ति। जिन्होंने कई बड़ी बड़ी खोजें की हुई हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान टीमों में काम किया हुआ है, सर्न और नासा लेबोरेटरी में जिनकी अहमियत है, ऐसे वैज्ञानिक इस देश के लीडर हैं। इतने शिक्षित और वेल क्वालिफाइड होते हुए भी इन वैज्ञानिकों की भगवान राम में गहरी आस्था है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं। तो आखिर कहाँ है यह देश? आखिर कौन से हैं वह वैज्ञानिक जो इस देश को चला रहे हैं? यहाँ की करेंसी आखिर कितनी कीमती है? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और कमेंट में एक बार दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। दोस्तों, कुछ समय पहले द साइंटिफिक हिंदू परिवार के एक सदस्य ने ही हमें मेल किया और हमें एक वीडियो सेंड किया जिसमें एक ऐसे देश की बात की जा रही थी जो सीमा रहित है, एक हिंदू राष्ट्र है और जहां के राजा वैज्ञानिक हैं, वो भी कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं बल्कि नासा और सन लेबोरेटरी में काम करने वाले वैज्ञानिक, और वह एक हिंदू देश का संचालन भी कर रहे हैं। जिस पर यह रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इसके बारे में सही रिसर्च करके एक वीडियो बनाए, तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना इस हिंदू देश की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर आए। दोस्तों, क्या आपको एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में पता है जिसको चलाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं? इस देश का हर एक वैज्ञानिक भगवान श्री राम का सच्चा भक्त है और अपने परिवार सहित सनातन धर्म का पालन करता है। ये वैज्ञानिक भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं। यहाँ के वैज्ञानिक वेदों और उपनिषदों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई थ्योरीज देते हैं। यह एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसकी अपनी करेंसी है, अपनी एक राजधानी है, यहाँ तक कि हर एक वो डिपार्टमेंट मौजूद है जो एक देश को चलाने के लिए जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हिंदू देश कहाँ मौजूद है, तो दोस्तों यह बॉर्डरलेस हिंदू राष्ट्र मध्य अमेरिका के आयोवा स्टेट में मौजूद है, जिसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस यानी वैश्विक शांति हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट में GCWP कहा जाता है। इस देश की राजधानी है महर्षि वैदिक सिटी, जो कि आयोवा राज्य में ही है। GCWP को लीड करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर टोनी नेडर हैं, जिन्हें महाराजा अधिराज राजा राम के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर टोनी नेडर एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और उसके साथ साथ एक लेखक, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और लीडर हैं। साथ ही यह ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के भी चीफ हैं। डॉक्टर टोनी नेडर ने आधुनिक विज्ञान के साथ साथ सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों को गहराई से अध्ययन किया है। वेद इज सिंपली साउंड can say agni mile purohitam yagyasya devam ritvijam like that sanskrit words। डॉक्टर टोनी नेडर जो यहाँ के राजा हैं, वो अपने परिवार सहित सनातन धर्म का पालन करते हैं।
इन्होंने मॉडर्न साइंस और वेदों को जोड़कर कई महत्वपूर्ण खोजें की हुई हैं। इसीलिए सन 2008 से यह लगातार GCWP को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर टोनी नेडर इन रिसर्चों को यूट्यूब में पॉडकास्ट के जरिए भी बताते हैं, जहां दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके साथ संवाद करते हुए दिख जाते हैं। अगर आप YouTube पर डॉक्टर टोनी नेडर सर्च करते हैं तो आपको इनके कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें इन्होंने बाकायदा सालों की मेहनत करके हिंदू धर्म में छिपे हुए विज्ञान को दर्शाया है और ऐसी ऐसी थ्योरीज दी हैं जो वाकई में बेहद हैरान कर देने वाली हैं। डॉक्टर टोनी नेडर का मानना है कि वेदों और उपनिषदों में गहरा विज्ञान छिपा हुआ है और डॉक्टर टोनी नेडर ने इसको सिद्ध भी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसे वेदों में बताए गए प्रकृति के नियमों के माध्यम से ही चलाया जाता है। इसीलिए यहाँ की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत है। संस्कृत के अलावा यह अंग्रेजी और अन्य भाषाएं भी प्रयोग की जाती हैं। As is the atom, so is the universe. As is the body, so is the cosmic body. Yatha pinde, tatha brahmande. Global country of world peace में health, finance, education सहित कुल 12 department हैं। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वर्ष 2002 में राम के नाम से एक करेंसी जारी की थी, जिस पर भगवान श्री राम का चित्र छपा हुआ है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राम नाम की यह करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। जी हाँ, अगर इस करेंसी की नीदरलैंड में कीमत देखें तो एक राम बराबर 10 यूरो है, वहीं अमेरिकन डॉलर के मुकाबले एक राम बराबर 10 डॉलर है। इसे यदि भारतीय रुपयों से तुलना करें तो एक अमेरिकन डॉलर इस समय 82 भारतीय रुपये के बराबर है। इस तरह एक राम बराबर 10 डॉलर और 10 डॉलर का मतलब है 820 भारतीय रुपये। राम करेंसी को बेयरर बॉन्ड या लोकल करेंसी भी कहा जाता है। GCWP के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसी के एक साल बाद यानी 2003 में 1, 5 और 10 के अन्य राम नोट भी जारी किए थे। भगवान राम के नाम की इस करेंसी को USA स्टेट आयोवा और नीदरलैंड में अप्रूवल दिया गया था, जिसके बाद यह करेंसी नीदरलैंड के 30 शहरों तथा अमेरिका के राज्यों में भी चलती है। इसके अलावा और भी कई यूरोपीय देश हैं जहां पर यह राम करेंसी चलती है। जरा विचार कीजिए कि भारत में जहां राम का नाम लेने भर से बवाल मचा दिया जाता है, वहीं एक ऐसा भी हिंदू राष्ट्र है जहां राम नाम की करेंसी चलती है। राम नाम की इस करेंसी के फ्रंट पर विश्व शांति राष्ट्र तथा बैक साइड पर राम राज मुद्रा लिखा हुआ है। GCWP एक ऐसा स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र है जहां पूर्णतः राम राज स्थापित है और इसीलिए यहां के लीडर डॉक्टर टोनी नेडर को महाराजा अधिराज राजा राम कहा जाता है, जिनका पहनावा भगवान राम के वस्त्रों से प्रभावित है। दोस्तों, इस देश में जो भी वैज्ञानिक वेदों और उपनिषदों की गहरी जानकारी रखता है उसे एक खास उपाधि भी दी जाती है और इसीलिए वर्ष 2008 में प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी नेडर को विश्व शांति राष्ट्र यानी GCWP का पहला सार्वभौम शासक बनाया गया था और तब से यह अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस हिंदू वैदिक राष्ट्र को लीड करते आ रहे हैं। यहाँ आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के वैज्ञानिक भगवान राम में कितनी आस्था रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में इस बात पर भी डिबेट चलती है कि भगवान राम थे या नहीं थे। रामायण एक सच्चा इतिहास है या सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? यहाँ तक कि भारत की सरकारें भी संसद में कहती हैं कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन फॉरेन वैज्ञानिकों ने इस हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कैसे, क्यों और कब की होगी, यानी इस हिंदू राष्ट्र के बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले हैं प्रसिद्ध भारतीय संत महर्षि महेश योगी, जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इन्हें केवल महर्षि नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जरिए संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने इस हिंदू राष्ट्र की शुरुआत अमेरिका में सन 2000 में की थी। इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के पीछे महर्षि महेश योगी का उद्देश्य यह था कि दुनिया में एक ऐसा भी राष्ट्र हो जिसकी कोई सीमा ना हो, जो भगवान राम के राम राज्य से प्रभावित हो, जहां पूर्ण वैदिक नियम फॉलो किए जाते हों। महर्षि योगी से कई लाखों लोग प्रभावित हुए, जिनमें कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक तक थे और वह उनके शिष्य बन गए, जिसके बाद इस हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई।
क्योंकि इस वैदिक राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य पर आधारित है। इसीलिए GCWP के नेशनल लीडर्स को राजा की उपाधि दी जाती है, जिनकी वेशभूषा भगवान राम के पहनावे से प्रभावित होती है। और इसीलिए सन 2008 में प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी नेडर को महाराजा अधिराज राजा राम की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।